नमस्कार, आज के इस बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन मार्केट के अंदर हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने देखा कि गोल्ड 1800 डॉलर के ऊपर निकल चुका है और चांदी भी 24 डॉलर के ऊपर निकल चुकी है। बट डोमेस्टिक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में एक सुस्त कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, जहां गोल्ड इस वक्त 47,050 के करीब ट्रेड कर रहा है और चांदी भी 63,800 के करीब ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल हमने देखा कि गोल्ड में तो एक सुस्त कारोबार था, 0.37% की गिरावट थी, बट चांदी में कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया, 0.2% की तेजी हमने चांदी में बनते हुए देखी। पिछले हफ्ते जैक्सन होल में जो स्पीच थी वहां पे हमने देखा टैपिंग की तो बातें हुई, बट जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें हैं उस पे कहीं ना कहीं एक सहमति नहीं बन पा रही है कि कब होने वाली है, जिसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई देखी और डॉलर इंडेक्स करीबन 9350 से 9250 तक आता हुआ दिखाई, जिसके चलते सोने और चांदी में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। इंटरनेशनल में तो गोल्ड करीबन 1820 डॉलर का भी लेवल ब्रिज कर चुका है, और जबकि चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी भी 24 डॉलर के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रही है, बट डोमेस्टिक मार्केट में उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखाई दी। उसका मुख्य कारण है रुपया फैक्टर। जिस ढंग से हमने देखे रुपए में काफी मजबूती आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो एस्टिमेट्स थे अर्निंग्स के वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से रुपए में हमने काफी मजबूती लौटती हुई देखी, जो 74.50 से ऑलमोस्ट 73.20 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते एनसेक्स पे सोने और चांदी में हमने एक नेगेटिव प्राइस मोमेंटम बनते हुए देखा या साइडवे मोमेंटम देखा। फिजिकल मार्केट भी एज ऑफ नाउ कोई ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस ढंग से HUID का जो कंसर्न है ये फिजिकल डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। नो डाउट फेस्टिवल डिमांड ओपन हो चुके हैं। चाइना में भी हमने देखा जो नेट गोल्ड की इम्पोर्ट है उसमें हमने गिरावट आती हुई देखी है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट से भी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। ये हफ्ते में अगर हम नॉन फार्म पेरोल डेटा की बात करें ये काफी इंपॉर्टेंट रहना है, जिसके बाद हमें लगता है मार्केट में और एक अपडेट नया मिल सकता है। इंटरनेशनल गोल्ड अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो 1856 डॉलर तक का लेवल दिखा सकता है, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगले एक हफ्ते की अगर हम रणनीति की बात करें तो प्राइजेस अगर 46,700-800 के करीब मिलता है तो गोल्ड को लेके चलिए 46,300 का स्टॉप लॉस रखिए। अप साइड में 47,300 के ऊपर निकलता है तो 47,800 तक का लेवल गोल्ड दिखा देगा। वहीं चांदी 63,500 के करीब लेके चलिए, 64,500 का लेवल तोड़ने पे हम 66,000 तक का भी लेवल देख पाएंगे। वॉलिटिटी आने वाले हफ्तों में सोने और चांदी में बढ़ती हुई नजर आएगी। धन्यवाद।